गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे लूसेंट और यूनिट 3 में सिंधु घाटी सभ्यताओं भाग 4 में। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है। पावर पॉइंट स्टडी में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें लूसेंट्स का पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से याद था जाना जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता को 4 नामों से जाता था, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। औद्य ऐतिहासिक, सिंधु घाटी को कितने इन 4 नामों से बुलाया जाता था, ठीक है। किस किस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था? काश्क युगनी काल के नाम से जाना जाता था, औद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसकी क्या मतलब, कब से कब तक टाइम पीरियड है इसका? इसका है 2500 BC से कब तक? 1500 BC, 2500 BC से 1500 BC तक का इसका क्या है, टाइम पीरियड है। किसका? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसको अपन हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम, दया राय साहनी ने। साहनी कब की थी? 1921 में इसकी खोज की थी। और सिंधु घाटी का वर्तमान में कहाँ पे? भी वर्तमान में यह है पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में यह पाकिस्तान में इसका है। पाकिस्तान में किसके? पाकिस्तान के मोंग टीग्रो मिया नामक जगह पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी? 2500 BC से 1700 BC में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसमें वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कुछ वो भी आती हैं सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता को, इसमें हड़प्पा या मोहन जुदाड़ो, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसका वर्तमान भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के लरकन में, जो कहाँ है? सिंधु, सिंध में, सिंधु में। और इसकी खोज की थी 1922 में। मतलब पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, फिर इसके मतलब कुछ, देखो कोई भी सभ्यता एक स्थान पर पूरी तरह से विकसित नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो भी इसे कहते थे। और यह पाकिस्तान के मतलब एक ही जगह है, मतलब सिंधु घाटी के आसपास की ये सभ्यताएँ पाई गई, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रखल दास बैनर्जी। रखल दास बैनर्जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता या मोहन जोदाड़ो, ठीक है। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। 1922 में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। इसकी जुड़वा, इसकी मिलती जुलती राजधानी, इसकी जुड़वा राजधानी क्या कहते हैं? इसकी जुड़वा राजधानी, इसकी जुड़वा राजधानी कहते हैं पिगट, ठीक है। इसकी जुड़वा राजधानी को क्या कहते हैं? पिगट कहते हैं, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं राखल्स दास बैनर्जी, इसके खोजकर्ता हैं। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसका समाज,
इसमें निम्न चीजें, समाज, ठीक है, घर निर्माण, मिठाई, ठीक है, अनाज, ठीक है। इसका समाज कैसा था? इसका समाज था मैत्र सत्ता, मतलब इसमें औरत का शासन चलता था, ठीक है। एक तरीके से मातृ सत्ता के रूप में इसको जाना जाता था। इसके निवासी को क्या कह इस उसके निवासी को भी कैसे कहते हैं? इसके निवासी को द्रवित, इसके निवासी को द्रवित या भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी कहा जाता था। इसके घर ग्रीक पद्धति के थे। इसके घर किसके थे? ग्रीक, हाँ, ग्रीड पद्धति, सॉरी, ग्रीक पद्धति में इसमें घर को बनाया जाता था, ठीक है। इसके मिठाई के तौर पे शहद, अनाज में जौ और गेहूँ, क्या थे? इसके अनाज थे। किसके? जौ और गेहूँ इसके अनाज थे। ये कौन सी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता तो एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था, ठीक है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था। इसका कहा इसे इनको कहा क्या जाता था? इनको मेलू, हाँ, मेलुवा शब्द में इनको मैसो पोटा मिया, मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा गया। इसको मेलुहा शब्द को इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा गया, जो कि किस नदी, मतलब एक तरीके से जे इनके यहाँ इनको पता था कि एक सभ्यता और है जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ये इनके सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया है, ठीक है। ये किस नदी के किनारे थी? ये दलजा और फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, पोटामिया की। जे किसको पता था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था कि भाई यहाँ पे एक और सभ्यता है। इसके दरवाजा और खिड़की क्या थे? इसके दरवाजे और खिड़की किसके थे? लोथल, गुजरात में, मतलब इसके दरवाजे जो खिड़की हैं वो लोथल है, मतलब जो कहाँ और पाए गए, ठीक है। लोथल जो कि आगे की ओर को, सड़क के आगे की ओर, आगे सड़क पर इसके दरवाजे कहाँ पे खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल, जहाँ की लोथल और गुजरात में जो कि स्थित है, ठीक है। गुजरात में जो मतलब इलाके इसके स्थित हैं, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें दरवाजे आगे सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। ये हो गया इसका पॉइंट, अभी और जानेंगे इसके बारे में। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसका विस्तार, ठीक है, विस्तार में यह बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान नीचे क्या था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जैसे दैमाद कहा जाता था उस टाइम, ठीक है। कौन सी प्रावी नदी में? पेवरा नदी, ठीक है। यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ऊपर कहाँ पे? मादा, जम्मू कश्मीर। कौन सी? चिनाब, चिनाब नदी में, ठीक है। और यहाँ पे यह पूर्व, यह पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। पूर्व में कहाँ तक फैली थी? मेरठ, किसके? अल गीरा, कौन
कौन सी? हिंडन, हिंडन नदी। ठीक है, ये क्या था? यह पूरब में मेरठ के अलमगीर हिंडन नदी पे, महाराष्ट्र के दैमाद प्रवार नदी और बलूचिस्तान के सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर कौन सी नदी? दसंग नदी तक इसका क्या था? विस्तार था। किसका विस्तार था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मादा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के पर स्थित था, बलूचिस्तान में, कहाँ पे? सुत कांगडोर, और महाराष्ट्र के दैमाद, ठीक है, और पूरब में मेरठ के अलमीरा में स्थित था। इसमें सबसे बड़े सात नगर, सात क्या? सात नगर इसमें आते हैं। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता में सात नगरों के बारे में बताया गया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सात नगर आते हैं, सात सबसे बड़े नगर आते हैं, सात बड़े नगर कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। उसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो, उसके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। इसके बाद आता है लोथल, चौथा आता है धौलावीरा, ठीक है। पांचवा आता है चूहड़ो, चूहू दड़ो, फिर है बनमाली, ठीक है। ये आते इसके सात बड़े नगर, और है कालीबंगा, काली बंगन, ठीक है, काली बंगन। ये इसके सात बड़े नगर आते हैं, कौन से? हड़प्पा, मोहन जोदाड़ो, लोथल, घोलावरी, धौलावीर, चुहुन दो, बनमाली और कालीबंगा। इसके सात बड़े नगरों में शामिल है। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के सात बड़े नगर हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरिक सभ्यता के रूप में क्या हुई? विकसित हुई, ठीक है। किसी एक नागरिक सभ्यता के रूप में क्या हुई? विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद जैसे खोजा गया पहला नगर कौन सा था, ठीक है, ये छोड़ो। कालीबंगा, ठीक है, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगन के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ये कहाँ पे पढ़ा पाया गया? ये राजस्थान, राजस्थान के घांगरा, घांगरा नाम के स्थान पे। काली बंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसमें किस किस चीज का प्रयोग किया गया? इसमें जुते हुए खेत, इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले? जुते हुए खेत मिले इसमें, इसमें क्या मिले? जुते हुए खेत मिले, और इसमें क्या मिला? नक्काशी ईंटों पर, नक्काशी ठीक है। इसमें क्या मिला? नक्काशी किस पे मिली? ईंटों पे इसकी क्या मिली? नक्काशी मिली, ठीक है। और ये काम, और इसमें जुते हुए खेत मिले, और इसके बाद कौन सा है? मोहन, मोहनजोदाड़ो। इसके बारे में करूँगे इसे, ये सिंधु, सिंधु नदी पर, कहाँ पे यह मिला? सिंध नदी पर, सिंध नदी कहाँ पे? पाकिस्तान में, सिंध नदी के मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिंध, इसका मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। किसका? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का
ठीक है। और इसमें क्या मिले? बड़े बड़े अन्नागार मिले, मतलब अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े, मतलब ये लोग अनाज का क्या करते थे, संग्रह करते थे। इसमें बहाद मतलब बाहरी, स्नानाग स्नागार, स्नागार मिले किसमें? मोहनजोदड़ो में बाहरी स्नागार। इनके प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इनके क्या थे? एक प्रमुख देवता भी थे। हाँ किसके? मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख देवता भी थे, जिनका क्या नाम था? पशुपति, पशुपति नाथ। ठीक है। किसमें? मोहनजोदड़ो में। एक मिनट, इससे मृतकों का टीला कहा जाता था। सिंधु नदी के स्थित है, जो कि इस अभी इस टाइम वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसमें अन्नागार मिले और बाहर स्नानागार मिले। पशुपति नाथ इनके प्रमुख देवता थे। ठीक है, जे जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ और हैं, और इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। आप क्या ढूंढेंगे? इन सभ्यताओं में कुछ कॉमन पॉइंट भी हैं। ठीक है, इन सभ्यताओं में क्या है कुछ कॉमन पॉइंट? किसमें? इसमें कुछ कॉमन पॉइंट भी हैं। ठीक है, लोथल, पहले अपन लिखेंगे लोथल, लोथल के बारे में। लोथल प्लस, ठीक है। इसमें रंगपुर, सॉरी चूहनोड़ो, ठीक है। इसमें क्या है? लोथल में प्लस सूतकोड़ा। इसमें क्या है? लोथल प्लस सूतकोड़ा में क्या मिले? बंदरगाह के साक्ष्य मिले। किसके? बंदरगाह के साक्ष्य मिले। इन दोनों सभ्यताओं में बंदरगाहों के साक्ष्य मिले। लोथल प्लस चूहलड़ों में क्या मिला? लोथल प्लस मन के बनाने के कारखाने। किसके? मन के बनाने के कारखाने। इन दोनों सभ्यताओं में क्या मिले? मन के बनाने के कारखाने। इनमें एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, चावल के साक्ष क्या मिले? चावल के साक्ष मिले, चावल के दाने इन दोनों सभ्यताओं में मिले। किसमें मिले? लोथल और रंगपुरा सभ्यता में चावल के साक्ष मिले। और सबसे पहला वाला, सबसे पहले साक्ष किस कौन सी सभ्यता मिला? सबसे फर्स्ट टाइम मिला चावल का साक्ष, कहाँ पे? लोथल में सबसे पहला, फर्स्ट टाइम। मतलब इन दोनों सभ्यताओं में कॉमन क्या चीज आएंगी? इसमें चावल के साक्ष मिले। ठीक है, और एक और पॉइंट है इनमें। ठीक है, लोथल प्लस कालीबंगा, लोथल प्लस कालीबंगन में क्या मिले? अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड या युगम समाधि। हैगम समाधियाँ। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं? इनमें पूजा के लिए मंदिर थे। अब देखो, इसमें ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और कॉमन पॉइंट, इसमें और भी मतलब इन सभ्यताओं में क्या क्या चीज़ रह गई है। ठीक है, अब वो भी पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, अब देखो, ये सभ्यता तो आज खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ दो तीन पॉइंट और हैं, वो भी लिखवा दे रहे अभी। ठीक है, इसमें पूजा, पूजा
के लिए मंदिर। इसमें पूजा के लिए क्या थे? मंदिर नहीं थे। इसमें पूजा के लिए मंदिर थी थे। इसके स्थान पर ये वृक्ष पूजा, ठीक है, इसके स्थान पर वृक्ष पूजा, मृत देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा। और क्या करते थे? उर्वरक मतलब कृषि की देवी, उर्वरक देवी की पूजा, ठीक है। किसकी? मातृ वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरक की पूजा करते थे। इनकी सबसे बड़ी देन क्या? इनकी सबसे बड़ी देन है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का चिन्ह देना, ठीक है। ये इसी सभ्यता की देन है, ये क्या है? स्वास्थ्य का चिन्ह है, ठीक है। और मृत्यु होने पर, पहले ये अच्छी पॉइंट देख लो, इसमें मंदिर की पूजा नहीं है, इसमें कोई मंदिर का उल्लेख नहीं है, ना ही किसी भी मंदिर का बारे में बताया गया। इसमें वृक्ष पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरक देवी की पूजा जो कि कृषि की देवती होती, मतलब भूमि की पूजा होती थी। और मातृ देवी मतलब अपने जहाँ पे रहते राज्य, उसकी मातृभूमि की पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी। इनकी सबसे बड़ी देन है स्वास्थ्य का चिन्ह देना, इनकी मृत्यु में जलाना या दफनाना शामिल था, ठीक है। जलाया किस में जाता है? मोहन जदाड़ों में, ठीक है। इसमें क्या था? दफनाने का, इसमें जलाने का रिवाज था, और हड़प्पा में दफनाने का, ठीक है। और इसमें बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए इनमें, लाल मिट्टी के बर्तन। कौन से? टोरा कोटा, जिनको क्या कहते हैं? टेरा कोटा, जिन्हें टेरा कोटा के नाम से जाते थे। इनकी माप तौल भी थी, इनके पास क्या थी? माप तौल, ठीक है। माप तौल क्या थी इनकी? 16 के अनुपात में। सोलह के अनुपात में, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी लूसेंट का पार्ट 4 पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा तो आप लोगों की पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।